अब कैसे जीती जाएगी ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ाई, क्या है 14 बार प्लाज्मा देने वाले कोरोना महायोद्धा की कहानी, देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। कोरोना पीड़ितों में म्यूकर माइसोसिस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में म्यूकर माइसोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पीड़ितों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले 1000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में स्थानीय आईजीएमसी हॉस्पिटल का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने इस दौरान अस्पताल के इंतजामों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और प्रभावी तरीके से संक्रमण से निपटने के लिए कहा। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन पर अमल जरूर करें। कोरोना को हराने में दवाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा प्लाज्मा भी कारगर साबित हो रहा है। हालांकि कई अफवाहों की वजह से कुछ लोग प्लाज्मा दान करने से बचते हैं, लेकिन पुणे के बिजनेसमैन अजय मुनोट ने प्लाज्मा दान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मुनोट ने अब तक 14 बार प्लाज्मा दान किया है, जो बाकियों के लिए एक उदाहरण है। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यूपी के गहमर में कोरोना से हो रही लगातार मौतों के चलते अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। हालात ये है कि बहुत सारे इलाकों में शव को सीधे नदियों में बहा दिया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों से गंगा के आसपास किनारों पर कई जगहों पर शव के ढेर लग गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दी गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान तेज प्रताप ने वहां की व्यवस्थाएं देखी। दरअसल जेल से छूटे लालू प्रसाद यादव ने एक दिन पहले ही सभी आरजेडी नेताओं से कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद की हिदायत दी थी। बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रमोद चौधरी की कोरोना से मौत हो गई। बुधवार को प्रमोद चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें आनन फानन में अररिया के सदर अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखे जाने की जरूरत बताई। सदर अस्पताल में वेंटिलेटर भी मौजूद था, लेकिन राजद नेता को यह सेवा समय पर नहीं मिल सकी और डॉक्टर ने उन्हें पूर्णिया रेफर कर दिया। इंडियन एयरफोर्स देश की कोरोना से लड़ाई में जोर शोर से जुटा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स का विमान जकार्ता से 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर जामनगर पहुंचा, जबकि एक और विमान 3 कंटेनर्स के साथ सिंगापुर से पानागढ़ आया। एक और विमान फ्रांस से 2 ऑक्सीजन जनरेटर्स लेकर फ्रांस से हिंडन एयरबेस पहुंचा। इंग्लैंड लॉकडाउन खत्म करने के तीसरे चरण में जाने की तैयारी में है। देश में 17 मई से कई और छूट दी जाएंगी। देश में जुलाई महीने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई रियायतें देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच कुल्लू पुलिस की रुस्तम वॉलंटियर्स की टीम विवाह शादियों में गीत संगीत के जरिए कोरोना नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 72 घंटे में रुस्तम टीम के वॉलंटियर्स ने 10 शादियों में ये काम किया। टीम के सदस्यों ने इन शादियों में पहुंचकर विवाहित जोड़ों को बधाई भी दी। शादी में हमेशा परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।